हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ देवकर्ण भूरिया, लेक्चरर ऑफ फिजिक्स। आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। पिछला जो हमारा वीडियो आया था उसमें हमने स्टडी किया था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है एंड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसकी विमा एवं मात्रा की क्या होता है। बेहतरीन कॉन्सेप्ट था कि हमने ये समझने का प्रयास किया कि अगर दो चार्ज है Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तो इनके मध्य जो विद्युत बल लग रहा है जिसका परिमाण होता है बराबर के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो विद्युत बल इनके मध्य लगता है उसको हमने समझने का प्रयास किया कि ये दोनों आवेश एक दूसरे के संपर्क में नहीं है फिर भी इनके मध्य विद्युत बल कार्य कर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों आवेश कुछ सिग्नल्स को क्रिएट कर रहे हैं, कुछ सिग्नल्स को क्रिएट कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस आवेश ने अपने चारों ओर एक अपना प्रभाव क्षेत्र बना लिया। इस आवेश ने अपने चारों ओर एक प्रभाव क्षेत्र बना लिया, ठीक है। अब दोनों के जो प्रभाव क्षेत्र हुए जिनको हम विद्युत क्षेत्र नाम दें, ये इसका विद्युत क्षेत्र हुआ, ये इसका विद्युत क्षेत्र हुआ। इन दोनों के विद्युत क्षेत्र के मध्य अनुक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है और ये इंटरेक्शन ही दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल के लिए उत्तरदायी होता है। तो दो आवेशों के मध्य जो विद्युत बल लगता है उसका मुख्य कारण क्या है, आवेशों के विद्युत क्षेत्रों के मध्य अनुक्रिया। और विद्युत क्षेत्र क्या है, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने में, जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अनुभव करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अनुभव करता है, उसे इस प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं, उसे इस प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये हमने समझा। दूसरा ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इस लेसन में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसको भी हमने समझना जरूरत था और इसको भी हमने समझा था। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या ली कि यदि कोई आवेश रखा हुआ है तो इस आवेश के कारण ही अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा और इस विद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा तो इसके विद्युत क्षेत्र में यदि हम कोई बिंदु लेते हैं, कोई बिंदु हमने क्यों ली, कोई बिंदु ए लिया और इस बिंदु ए पर हमने एक प्रेक्षण धनावेश रखा, तो प्रेक्षण धनावेश यानी एक ऐसा आवेश है जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, और जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं इसका मतलब वो आवेश क्या है, नेग्लिजेबल है। वो आवेश क्या है, नेग्लिजेबल है। हम कह सकते हैं क्यू नॉट टेंस टू जीरो, क्यू नॉट टेंस टू जीरो यानी बहुत ही छोटा है, तो इसका अपना विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, इसलिए ये इस आवेश पर बल तो नहीं लगा सकता, लेकिन ये जो आवेश था जो अपना विद्युत क्षेत्र क्रिएट किया तो ये इस पर बल लगाए, अगर उस बल को ये एक्सपीरियंस करेगा तो इस पर जो बल लगेगा उस बल की वैल्यू हमने निकाली F बराबर क्या आएगी, के क्यू क्यू नॉट, के क्यू क्यू नॉट। तो ये के क्यू है, यहां पर एक पैरामीटर आता है, इस पैरामीटर्स को हमने क्या नाम दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी एफ बराबर हमने क्या लिखा, इस पैरामीटर को मैंने ई लिख दिया, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे, तो क्यू नॉट, एफ बराबर ई क्यू नॉट। और यहां से हमारे पास ई की वैल्यू निकल सकते हैं, ई बराबर क्या आएगा, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से परिभाषा निकल कर आई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, कि विद्युत किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश रखा जाता है या कोई धनावेश रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल, उस एकांत धनावेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस बिंदु पर इस आवेश द्वारा इस पर जो बल लग रहा है उसी बल का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हमने इसका नाम दिया है, यानी एफ अपॉन क्यू नॉट। यदि क्यू नॉट इक्वल्स टू 1 कूलम हो गया तो ई बराबर क्या आ जाएगा, एफ के बराबर, ई बराबर क्या आ जाएगा, एफ के बराबर आ जाएगा। और यहां से इसका हमने मात्रक पढ़ा था, एफ बराबर, दो महत्वपूर्ण मात्रक पढ़े थे, एफ ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट है, तो एफ का मात्रक न्यूटन और पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, या दूसरा हमने लिखा था वोल्ट पर मीटर, इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो वोल्ट पर मीटर आता है।
तो ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके थे, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक, दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसकी दिशा किधर होगी, धनावेश पर जो बल लगेगा उसकी दिशा में, धनावेश पर जो बल लगेगा उसकी दिशा में। जैसे ये प्लस क्यू नोट है और यहां पर क्यू नोट आवेश रखा हुआ, यहाँ प्लस धनावेश है और यहाँ पर क्यू नोट परीक्षण आवेश है, ये भी धनावेश होगा, ये भी धनावेश होगा, तो ये आवेश को प्रतिकर्षित कर देगा, तो इसके ऊपर ये जो बल लगाएगा उसकी दिशा ये होगी, एफ की दिशा ये होगी, इसका मतलब ई की दिशा भी यही होगी, ई की दिशा भी यही होगी, जो हम देख चुके हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण दिशा किस तरह होती है, आउटवर्ड होती है इस प्रकार से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई। और अगर यहां पर माइनस क्यू आवेश रख दिया, माइनस क्यू नोट आवेश, परीक्षण आवेश को हमने यहां पर माइनस मान लिया, अगर माइनस है तो ये धनावेश क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो बल की दिशा किस तरफ होगी, ये होगी, बल की दिशा किस तरफ होगी, ये अपनी तरफ खींचेगा, बल की दिशा इस तरफ होगी, तो यहां पर क्योंकि धनावेश की दिशा में है तो ये धनावेश के विपरीत दिशा में होगा, तो यहां पर ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई, ई बराबर माइनस क्यू एफ, माइनस क्यू एफ इसकी विपरीत होगी, यानी धनावेश के क्या हो गई यहां पर है, विपरीत हो गई है। ओके, तो ये हम पढ़ चुके थे। आज से हमारा टॉपिक है वो देखिए क्या है, आज का हमारा टॉपिक है कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उसको हम स्टडी करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए हम मान के चलते हैं कि यहां पर हमने बिंदु कोई ए ले लिया, बिंदु ए लिया और इस बिंदु ए पर हमने एक धनावेश रखा प्लस क्यू, बिंदु ए पर क्या रखा, एक धनावेश प्लस क्यू रखा, और इस धनावेश से हम, ध्यान दीजिए, इस धनावेश से हम आर डिस्टेंस पर एक अनुदर कोई बिंदु पी ले लेते हैं, एक अनुदर कोई बिंदु पी ले लेते हैं, और इस बिंदु पी पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं कि एक बिंदु धनावेश लिया है प्लस क्यू, जो कि बिंदु ए पर स्थित है, बिंदु ए पर प्लस क्यू धनावेश है, और इस धनावेश के कारण हम क्या करना चाह रहे हैं, इससे आर डिस्टेंस पर, इससे आर डिस्टेंस पर एक अन्य बिंदु पी लिया, इस बिंदु पी पर हम क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर ज्ञात की जाती है, तो इस बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा काम में लेते हैं, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है कि किसी बिंदु पर यदि कोई आवेश रखा हुआ है, किसी बिंदु पर यदि कोई आवेश रखा है तो उस आवेश पर लगने वाला जो बल होगा, उस आवेश पर जो लगने वाला बल होगा वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक परीक्षण धनावेश ले लेते हैं क्यू नोट, क्या किया, बिंदु पी पर इस आवेश के कारण से तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम बिंदु पी पर एक परीक्षण धनावेश क्यू नोट लेके आते हैं। अब इस परीक्षण धनावेश पर क्या होगा, ये प्लस क्यू बल लगाएगा और इस बल की दिशा किस तरह होगी, हम जानते हैं इस बल की दिशा किस तरह होगी, बाहर की तरफ, क्योंकि प्रतिकर्षित करेगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हो जाएगा एफ सी, बिंदु पी पर जो आवेश है उस पर लगने वाला बल होगा। इस बल की वैल्यू हम किससे, कुलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, कुलाम के नियम ने हमने बताया था कि बल की वैल्यू क्या होगी, तो हम कुलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। देखिए क्या आएगा, बिंदु पी पर स्थित प्रेक्षण आवेश, बिंदु पी पर स्थित प्रेक्षण आवेश क्यू नोट पर आवेश क्यू के कारण लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल कुलाम के नियम से, लगने वाला विद्युत बल कुलाम के नियम से, और लगने वाला विद्युत बल कुलाम के नियम से कितना होगा, F, क्या होगा, एफ पी, बिंदु पी पर लगने वाला बल किसके कारण से, ए के कारण से लग रहा है, तो एफ पी बराबर आएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मीडियम यहां पर क्या, माध्यम क्या, निर्वात है, और एप्सिलॉन नॉट के निर्वात की विद्युतशीलता, और कितना आएगा, क्यू क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस कितने, आर, आर स्क्वायर, और दिशा किस तरफ होगी, ए से
दिशा ऐसे पहली की तरह, या हम लिख सकते हैं ए पी दिशा में, ए पी दिशा में, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लगाओ यहां पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होगी कि बिंदु P पर जो तीव्रता होगी, बिंदु P पर जो तीव्रता होगी EP इक्वल्स टू होती है एफ पी, इक्वल्स टू होती है एफ पी अपॉन क्यू नॉट, एफ पी अपॉन क्यू नॉट, ये समीकरण दो से, ठीक है। तो समीकरण एक व दो से देखिए, समीकरण एक व दो से इसकी वैल्यू फुट करते हैं, हम इसकी वैल्यू फुट करते हैं तो EP बराबर क्या आएगा, EP बराबर हमारे पास आएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और वन अपॉन क्यू नॉट इंटू वन अपॉन क्यू नॉट और आ जाएगा, एंड इसकी दिशा दे रखी है, दिशा क्या है AP दिशा में, AP दिशा में, ठीक है। तो यहां से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, या EP बराबर हम लिख सकते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, एंड आर के एफ, या इसका सदिश फॉर्म है जिसे इक्वेशन नंबर थ्री। तथा परिमाण, अगर परिमाण की बात करें तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या आएगा, परिमाण ई, ई बराबर आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या आएगा, परिमाण लिखेंगे तो हम लिखेंगे ई इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आएगा। तो यहां से हम देख रहे हैं कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यों, यानी उस आवेश के परिमाण के, अर्थात आवेश का परिमाण जितना अधिक होगा उस बिंदु पर तीव्रता उतनी ही अधिक होगी, एंड दूसरा जो डिपेंड कर रहा है वो किस पर कर रहा है, दूरी के स्क्वायर, यानी इस आवेश की इस बिंदु से दूरी जितनी अधिक होगी तीव्रता का मान उतना ही कम होगा। तो दो चीजों पर, आवेश के परिमाण पर और मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ओके क्लियर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आया, अब हम इसको लिख लेते हैं कि माना कि तो अब इसको हम लिख लेते हैं, देखिए कि माना कि बिंदु ए पर, माना कि बिंदु ए पर एक बिंदुवत, माना कि बिंदु ए पर एक बिंदुवत धनावेश क्यों स्थित है, बिंदुवत धनावेश क्यों स्थित है, इससे आर दूरी पर स्थित, इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके लिए बिंदु P पर एक परीक्षण, इसके लिए बिंदु P पर एक परीक्षण धनावेश Q नोट की कल्पना करते हैं, नोट की कल्पना करते हैं। फिर आगे लिख लेना, बिंदु P पर स्थित परीक्षण आवेश Q नोट पर आवेश Q के कारण लगने वाला विद्युत बल कूलाम के विद्युत नियम से, और इसको समीकरण चार तक नोट कर लेना और ये बना लेना, ओके। तो इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कि बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसको हम इस प्रकार से डिराइव करेंगे, और हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा, समीकरण तीन है वो इसका सदिश रूप है, और समीकरण चार है वो इसका
मैग्नेटोट्रोप है। ठीक, तो यहां पर एक और लिख दें, जहां आर के एकांक सदिश है, जहां आर के एकांक सदिश है जिसकी दिशा बल के अनुदिश है, जिसकी दिशा बल के अनुदिश है। ठीक, तो यहां से जो बल की दिशा, यही डायरेक्शन किसकी होगी, यही डायरेक्शन किसकी होगी, ई पी की, यही डायरेक्शन किसकी है, ई पी की, बिंदु पी पर तीव्रता की दिशा भी यही होगा, जो बल की दिशा है वही किसकी होगी, तीव्रता की दिशा। अब यदि यहां पर माइनस क्यू आवेश होता, माइनस क्यू आवेश होता, तो तीव्रता की दिशा किस तरफ आ जाती, इस तरफ आ जाती, तीव्रता की दिशा इस तरफ है आ जाती। ओके, इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसमें हम नीचे दो तीन और लिखाते हैं, नोट कर लिया होगा आपने अच्छे से, इसको नोट कर लिए, साथ साथ बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनने के बाद में अगर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, इसको अच्छे से समझ लेंगे। ओके, तो ये कर लिया होगा नोट, मैं इसको रफ कर देता हूं। और यहां से हमें देखो क्या चीज, रिजल्ट जो आया वो रिजल्ट हमें क्या देगा, यहां से और देखिए, समीकरण चार से स्पष्ट है कि, समीकरण चार से स्पष्ट है कि बिंदु आवेश, समीकरण चार से स्पष्ट है कि बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, नंबर एक, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता आवेश के परिमाण के समानुपाती, आवेश के परिमाण के समानुपाती अर्थात ई समानुपाती क्यों, ई समानुपाती क्यों, आवेश के परिमाण के समानुपाती है। एंड दूसरा, तथा सेकंड क्या होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात व्युत्क्रमानुपाती वन अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हमें मिल रही है, आवेश के परिमाण के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी, ये चीज हमें यहां से मिल रही है। अब यदि हम ग्राफ बना दें, ग्राफ देखिए, ई व आर के मध्य ग्राफ, ई व आर के मध्य ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इस ग्राफ को अच्छी तरह से समझ लीजिए। इधर हम आर ले रहे हैं, इधर आर लिया जा रहा है, एंड वाई अक्ष पर हम ई ले रहे हैं, वाई अक्ष पर ई ले रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ई और आर एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती है, यानी आर बढ़ेगा तो ई क्या होगा, घटेगा, स्क्वायर का रिसिप्रोकल है तो तेजी से घटेगा, तो इस प्रकार से हम जो है तो ये आएगा, ये इस प्रकार का होता, यानी ई प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर, या दूसरे रूप में अगर ग्राफ बनाना चाहे, वन अपॉन आर ले ले, इधर क्या ले ले, वन अपॉन आर ले ले और इधर ई ले दे, अब आप देख सकते हैं वन अपॉन आर इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वन अपॉन आर इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ये आएगा समानुपात हो जाएगा, इसको हम कहेंगे ई प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर, तो ये ग्राफ आएगा आपका, ये ग्राफ आएगा। ओके, तो दूरी और आर के मध्य हमारा ऐसा ग्राफ आएगा, दूरी और आर के मध्य हमारा इस प्रकार का ग्राफ आएगा, जिसको आप नोट कर लीजिए, और यदि आवेश के मध्य बनाए तो वो भी हम बना सकते हैं, आवेश के मध्य बनाए वो भी हम बना सकते हैं, एक ई व क्यू के मध्य ग्राफ, ई व क्यू के मध्य ग्राफ, इनके मध्य ग्राफ क्या होगा,
क्योंकि ई और क्यू एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम तीव्रता ले रहे हैं ये और ये क्यू ले रहे हैं, तो ये दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस प्रकार से इधर क्यू लिया जा रहा है, इधर ई लिया जा रही है, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके परिमाण के। तो यहां पर क्यू बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, यहां पर आर बढ़ेगा तो ई घटेगा। तो बिंदु आवेशीकरण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास ये होगी, बिंदु आवेशीकरण हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी। ओके, और नीचे नोट करके लिखिए। माइनस ए क्यों आवेश के कारण तीव्रता, माइनस क्यों आवेश के कारण तीव्रता अंदर की तरफ होगी, माइनस क्यों आवेश की तीव्रता अंदर की तरफ होगी। तो यहां पर देखिए, अगर ई माइनस है, ई माइनस आवेश का निकालना चाहूं तो कितना आएगा मेरे पास, माइनस आएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड आर के, ये फॉर्मूला बन जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 6 फोर फाइव होगा, हाँ 5, ठीक है। डायरेक्शन बदल गई है, तीव्रता की डायरेक्शन है बदल गई। माइनस माइनस क्या बता रहा है कि आर के एफ की विपरीत, आर के एफ की विपरीत, आर के एफ किधर होगा, इधर होगा, आर के एफ इधर होगा। यानी कि अगर ये माइनस क्यू आवेश है, अगर ये माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू बिंदु आवेश है, बिंदु पी पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर के, ठीक। लेकिन तीव्रता की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ होगी। तीव्रता की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। ये होगा ई पी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई पी, बिंदु पी पर तीव्रता किस तरफ होगी, इधर आ जाएगी तीव्रता, इधर आ जाएगी। जब आर के डायरेक्शन किधर है, इधर है, लेकिन उसके अगेंस्ट है, अंदर की तरफ है। ओके, तो ये इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। तो ये हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, ठीक है। तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आगे हमारे काम में आने वाला है। ओके, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके आगे हम पढ़ना चाहेंगे कि बहु आवेश के कारण तीव्रता क्या होगी। अगर आवेशों की संख्या एक से ज्यादा है और किसी बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उस बिंदु पर तीव्रता क्या बनेगी। तो बहु आवेश के कारण तीव्रता, या वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, तो देखिए, बहु आवेशों के कारण तीव्रता तथा अध्यारोपण का सिद्धांत, बहु आवेशों के कारण तीव्रता तथा अध्यारोपण का सिद्धांत ये। तो हम मान करते हैं यहां पर कोई बिंदु P लेते हैं, यहां पर कोई बिंदु P ले लेते हैं कि ये बिंदु P है और एक आवेश यहां है Q1, एक आवेश है Q1 है जिसका डिस्टेंस क्या है R1 है, एक दूसरा आवेश क्या है Q2 जिसका डिस्टेंस क्या मान लेते हैं R2, एक तीसरा आवेश क्या मान लेते हैं Q3 जिसका डिस्टेंस क्या है R3, और एक ऐसे आवेश क्या मान लेते हैं ये Q1 जिसका हो जाएगा Rm, ठीक है। अब इस बिंदु P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है जिसके अंदर Q1, Q2, Q3 डैश डैश Qn आवेश है। इन सभी आवेशों का बिंदु P पर हमें क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करनी है। और अब ये मानकर चलते हैं ये सारे पॉजिटिव आवेश हैं और सारे पॉजिटिव आवेश हैं, तो बिंदु P पर हम परीक्षण धनावेश रखेंगे, अभी समझ समझा, परीक्षण धनावेश रखेंगे वो भी पॉजिटिव होगा, तो उसके कारण से तीव्रता किस तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। तो इसके कारण से तीव्रता हम ये ले लेते हैं, इसके कारण से तीव्रता आएगी ये जिसको हम कहेंगे तीव्रता E1, ये क्या होगा E1, ऐसे ही इसके कारण से, इसके कारण से आएगी, तो ये आएगी, ये आएगी, इसको हम कह लेते हैं E2, तीव्रता यहां पर क्या आएगी E2 आएगी, ठीक। Q3 के कारण से ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा तो इधर जाएगी, इसको हम लिखेंगे E3 लिखेंगे,
यही थी ऐसे एन के कारण से, क्यों एन के कारण से, क्यों एन के कारण से ये तीव्रता इधर आ जाएगी, ये हो जाएगा ई एन, ई एन के कारण से तीव्रता, एन के कारण से तीव्रता, ये सभी कारण से। तो बिंदु पी पर हमें क्या करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारा क्या कहता है कि बिंदु पी पर जो तीव्रता होगी वो इन सभी आवेशों के सदिश योग के बराबर होगी, इन सभी आवेशों के सदिश योग के बराबर होगी। हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि ई बिंदु ई पी पर जो तीव्रता होगी वो ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री प्लस डैश डैश ई एन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है। और यहां से सबकी वैल्यू निकालना चाहिए, ई वन के कारण से कितना होगा मैं उसको लिखूं, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, निर्वात में रखे हुए तो क्या आएगा क्यू वन, किस आर से कारण से क्यू वन आर से, अपॉन डिस्टेंस क्या है आर वन का स्क्वायर, और आर वन की दिशा में एकांक सदिश, आर वन की दिशा में एकांक सदिश किधर होगा इधर, ठीक है इस दिशा में एकांक सदिश, ठीक है प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टू अपॉन आर टू का स्क्वायर एंड आर टू की दिशा में एकांक सदिश एंड प्लस प्लस ऑन वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्यू एन अपॉन आर एम का स्क्वायर एंड आर एम की दिशा में एकांक सदिश, ओके इस प्रकार से इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। इन सब की वैल्यू निकालो एंड फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा कि बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, ये होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये हम लिखेंगे क्या होगा, बहु आवेशों की, हाँ बहु आवेशों के कारण, बहु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर, बहु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर अलग अलग, उस बिंदु पर अलग अलग तीव्रताओं के, उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों, अलग अलग आवेशों के कारण, अलग अलग आवेशों के कारण तीव्रताओं का, अलग अलग आवेशों के कारण तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है, सदिश योग के बराबर है, सदिशों के बराबर होती है, ठीक है अर्थात अर्थात अध्यारोपण के सिद्धांत से, अर्थात अध्यारोपण के, अध्यारोपण के सिद्धांत से तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये हमारे पास मिलेगा। तो अगर आवेशों की संख्या एक से अधिक है और किसी एक बिंदु पर हमें परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात करना है तो हम अध्यारोपण का सिद्धांत अप्लाई करेंगे, यानी इस बिंदु पर तीव्रता इस आवेश के कारण से क्या है, इस आवेश के कारण से क्या, इस आवेश के कारण से क्या, इस आवेश के कारण से क्या, और सभी आवेशों का तीव्रता प्राप्त सबका सदिश योग, क्योंकि एक सदिश राशि, क्योंकि एक सदिश राशि है, ठीक ओके। और नोट लगा कर लिख लेना, नोट नोट लगा कर लिख लेना, यदि तीव्रता E1 व E2 के मध्य, यदि तीव्रता E1 व E2 के मध्य कोण थीटा है, यदि E1 व E2 के मध्य कोण थीटा है तो परिणामी तीव्रता, तो परिणामी
तीव्रता का जो फॉर्मूला आएगा, परिणामी तीव्रता को हम ई लिखें, तो ई का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, ई का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो स्क्वायर रूट आएगा, ध्यान रखना, ई वन का स्क्वायर प्लस ई टू का स्क्वायर प्लस टू ई वन ई टू ई वन ई टू कोस थीटा, ई वन ई टू कोस थीटा, याद रखना ये होगा ठीक है। और यहां पर भी यदि ई वन और ई टू एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ई वन ई टू तो हम लिख सकते हैं, तो ई का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ई वन का स्क्वायर प्लस ई टू का स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सपोज करो कि एक तीव्रता ये है, दिस इज द तीव्रता ई वन, दिस इज द ई वन एंड दिस इज द ई टू, दिस इज द ई टू, और इन दोनों के मध्य का कोण थीटा है, इन दोनों का मध्य कोण थीटा है, तो ये जो परिणामी जाएगी, ये परिणामी ई, ये परिणामी ई होगी, तो इसको हम ऐसे से व्यक्त कर सकते हैं, जो हमने चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा था, तो ये ई के डायरेक्शन, दिस इज द ई, इसको हम कह सकते हैं ई, दिस इज द ई होगा, और इन दोनों के मध्य का कोण क्या है थीटा, इन दोनों के मध्य का कोण ये है थीटा, दोनों के मध्य का कोण थीटा है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं इनके मध्य का कोण थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला लेंगे, और अगर थीटा की वैल्यू 90 एक दूसरे के लंबवत है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। तो इससे हमने आज जो पढ़ा है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होता है, उसको हमने समझने का प्रयास किया, और बहु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता हम कैसे ज्ञात करते हैं, अध्यारोपण के प्रिंसिपल से हम ऐसे ज्ञात करते हैं। ओके क्लियर, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।